कवरेज जो है वो तो बुनियादी उसूल जो है कि अनबायस्ड होनी चाहिए और जो हो रहा होता है वो दिखाना होता है। बदकिस्मती है, मैं इस बात को अपने एंड पे करूँगा कि हमारे बहुत सारे जो नए आने वाले हैं और यूट्यूबर्स हैं वो बहस में ज़्यादा उलझते हैं। अगर एक वो पॉइंट ऑफ व्यू लेके और एक सवाल करते हैं तो उसके बाद उस सवाल के ऊपर बाधित होते हैं कि उनकी मर्ज़ी का जवाब है, तो आई थिंक ये उसका रिएक्शन है कि वो मर्ज़ी का जवाब जो ज़बरदस्ती लेने की कोशिश की जाती है उसके नतीजे में और प्रोग्राम की जो एंगलिंग की जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस तरीके से नहीं, ये तरीका जो है अगर आपको किसी यूट्यूबर्स के ऊपर भी अगर है तो उसको आप इस तरीके से अगर टारगेट करेंगे तो वो कुछ थोड़ा सा मुनासिब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आज मीडिया के साथ भी इनका जो रवैया है, मतलब मीडिया कार्ड भी जारी हुए, इनकी पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, सारी चीज़ें मीडिया पॉजिटिविटी भी ले रहा था, जो नेगेटिव एंगल ला रहे होते हैं उनको आप इंटरव्यूज ना दें, उनको आप रोक सकते हैं, लेकिन ये नहीं है कि आप रेगुलर मीडिया को, मतलब आज मैं जो जिस एक्सपीरियंस से गुजरा हूँ वो ये है कि रेगुलर मीडिया के साथ थोड़ी सी जो है इनकी तरफ से मिसबिहेव हुआ। इसमें भी मैं देख रहा हूँ कुछ रेगुलर मीडिया के जर्नलिस्ट भी जो हैं जैसे उरिया मकबूल जान हैं, जैसे और बहुत सारे लोग हैं, उनको भी यहाँ पे हेट स्पीचेस की मत में मैं लूँगा कि उनको इस तरीके से लेना। सो ये दोनों तरफ होता है कि अगर आप अपने इश्यूज़ को लेके आ रहे हैं और मीडिया आपका इशू नहीं दिखा रहा तो फिर भी आपको शिकायत करें, आपके इशू को प्रॉपर तरीके से मीडिया कवर भी कर रहा है, सारी चीज़ें लेके आ रहा है, लेकिन अगर आप रेगुलर मीडिया को भी रोकने की कोशिश करेंगे, उसी चक्की में पीसने की कोशिश करेंगे तो वो मुनासिब नहीं होगा। मतलब आज डॉन न्यूज़ की गाड़ी को और बाकी को रोकने की कोशिश की गई तो वो एक रवैया जो है, ये मैं समझता हूँ कि इन्हें भी अपने तौर पर थोड़ा सा, जहाँ हम अपने साथियों को समझाते हैं कि मीडिया एथिक्स क्या है, आप सवाल रिपीट ना करें, सवाल के ऊपर ज़्यादा बहस ना करें, ज़बरदस्ती किसी के मुँह से उगलवाने की कोशिश ना करें, तो इनको भी ये समझना चाहिए कि मीडिया का एक राइट है कि वो चीज़ों को कवर करें।